दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी बैंक के अकाउंट का बैलेंस माइनस हो जाता है तो आप उस अकाउंट को कैसे बंद कर सकते हैं, वो भी बिना एक रुपये दिए। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपके बैंक के अकाउंट का बैलेंस माइनस हो जाता है और अगर आप उस बैलेंस को नहीं देना चाहते हैं तो इस पोजीशन में आप अपने अकाउंट को भूल जाएं और उसमें कोई भी लेन देन ना करें। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो अकाउंट होगा वो 5 साल में इन ऑपरेटिव मोड में चला जाएगा और वो फ्रीज हो जाएगा। और RBI के गाइडलाइन के अनुसार आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि RBI के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक केस नहीं कर सकता है आपके ऊपर। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने बैंक के अकाउंट का बैलेंस नहीं भरते हैं तो बैंक क्या करता है कि आपका जो सिविल स्कोर होता है वो गिरा देता है और आप फ्यूचर में भी कहीं पर लोन ट्राई करते हैं तो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आपका सिविल स्कोर कम होता है। अब ये सिविल स्कोर क्या होता है दोस्तों कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने हमको 5,000 रुपये दिए और मैंने उनको टाइम दिया कि मैं 10 तारीख को दूंगा और अगर मैं टाइम से पे कर देता हूँ तो मेरा एक क्रेडिट बन जाता है, मेरा उसके नज़र में क्रेडिट बन जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है और आगे भी वो पैसा मुझे देता रहेगा। लेकिन मैं जब उस पेमेंट को टाइम पर पेमेंट नहीं करूंगा उसको, तब उसको लगेगा कि ये बंदा ठीक नहीं है, मुझे इस ऐसे बंदे को पैसे नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह से सिविल स्कोर भी होता है फ्रेंड्स, कि अगर आप कोई भी बैंक से लोन लेते हैं या माइनस हो जाता है बैंक और उसका अमाउंट नहीं भरते हैं तो उसमें सिविल स्कोर कम हो जाता है आपका। तो सिविल स्कोर अगर फ्यूचर में कम हो जाए तो आपको लोन नहीं मिलता है। दोस्तों कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ब्रांच में जाएं और वहां पर फॉर्म फिलअप करें, फॉर्म फिलअप करके वहां पर उस बैलेंस को दे दें और उसके बाद मैनेजर से बोलें कि मेरा जो बैंक है वो बंद करना है। वो एक आपको फॉर्म देंगे और फॉर्म को फिल करके आप बैंक अपना बंद करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए और मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद।